फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को क्यों मारा, खान सर एंग्री। अरे बाप रे, हमने देखा है खान सर फनी, खान सर मस्ती, अब हमें देखना पड़ेगा खान सर एंग्री। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और इस देश में गांधी के हत्यारों को नारा लगाया जाता है कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, और वो लोग खुशी से जी लेते हैं इस देश में। ये केवल और केवल उसी गांधी का नतीजा है, वरना काट के फेंक दिया जाता। ये गांधी का नतीजा है जो हम और आप हवाई चप्पल पे बैठ के हवाई जहाज वाले को कहते हैं कि गलत कर रहा है। महात्मा गांधी को ज्यादातर लोग गलत क्यों कहते हैं? आप कहते हो कि सर हम गुस्से में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो चमचागिरी आज भी करते हैं, सब डीएनए में है वहां पे। साला मेरा खराबी ये है कि हम कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए, इसलिए हमारा सब गरियाने लगता है। हमको कट्टर लोग कभी पसंद नहीं करते। भारत गलत ही है तो नोट से मूर्ति हटा देनी चाहिए, महात्मा गांधी का फोटो हटा के नाथूराम गोडसे का लगा दो। यदि नाथूराम गोडसे वाकई देश प्रेमी थे, नाथूराम गोडसे के अंदर इतनी देशभक्ति थी, लेकिन 5 करोड़ टैक्स का पैसा दे देना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि सीधे आके गोली मार देना। पता है गांधी को गोली क्यों मार दिया उसने? देखो सर, महात्मा गांधी को ज्यादातर लोग गलत क्यों कहते हैं? ये साले हरामी वही गलत कहते हैं जो नाथूराम गोडसे को सही कहते हैं। हम बस आपसे एक सवाल पूछते हैं कि नाथूराम गोडसे के अंदर इतनी देशभक्ति थी, यदि नाथूराम गोडसे वाकई देश प्रेमी थे, यदि नाथूराम गोडसे के शरीर में इतना उबाल था, वो देश के सच्चे देशभक्त थे, तो कोई किताब दिखाइए जिसमें ये लिखा है कि वो अंग्रेजों को एक थप्पड़ भी चलाए हों। कोई किताब दिखाइए जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 1 रुपया भी इस देश को दान दिया हो। कहां की देशभक्ति है यार, तो हरामीपन है। और उस महान व्यक्ति को देखो, गोली खाने के बाद भी कहता है कि बच्चा बिगड़ गया, इसे माफ कर दीजिएगा। हद है यार। भारत को पहला नोबल पुरस्कार 1948 में मिला था महात्मा गांधी के नाम पे, लेकिन नोबल पुरस्कार को कहा जाता है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं दिया सकता है। नाथूराम गोडसे मार के हमारे महात्मा गांधी को नहीं छीना, हमारा नोबल पुरस्कार भी छीन लिया। और महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी को मार सकते हो, गांधीवादी को कोई नहीं मार सकता। आज भी अन्ना हजारे ने लोकपाल का पद लाया, किसके वजह से? गांधीवाद का सिद्धांत देके। हद है यार। हमें बस ये बता दो, हम उस दिन से नाथूराम गोडसे के भक्त हो जाएंगे कि एक अंग्रेज को तमाचा भी मारा हो। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सब कुछ निछावर कर दिया। 13 साल की उम्र में खुदीराम बोस, 12 साल की उम्र में दाढ़ी नहीं आई थी उस बिहार के बच्चे को, मुजफ्फरपुर का, फांसी पे चढ़ गया था। हद है यार। कोई बता दो एक तमाचा मारा था। चंद्रशेखर आजाद लड़ते लड़ते जब देख लिए तो कहे कि मैं मरूंगा तो भारत माता की मिट्टी गोली से मरूंगा, मार दिया। हद है यार। ये देश में, और इस देश में गांधी के हत्यारों को नारा लगाया जाता है कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, और वो लोग खुशी से जी लेते हैं इस देश में। ये केवल और केवल उसी गांधी का नतीजा है, वरना काट के फेंक दिया जाता। आप ज्यादा जाके जिन्ना को बोल के देखिए ना, जिन्ना मुर्दाबाद पाकिस्तान में, साला काट के फेंक देगा साहब को सड़क पे। लेकिन ये गांधी का नतीजा है कि गांधी के देश में रह के गांधी को गाली देते हो, चाय के दुकान पे बैठ के कि गंधिया चोर था, लेकिन फिर भी लोग तुमको कुछ नहीं कहते हैं, और तुम उसी नाथूराम गोडसे को कहते हो। धन्य है प्रभु, धन्य। आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो हमें नहीं पता, क्या बोले यार हम किसको, गांधी को। गांधी ने क्या नहीं किया? गांधी की औकात वो थी कि 1863 में लंदन गया था पढ़ने। हम आपको कहते हैं आप में किसी की औकात नहीं है आज 2020 में कि आप लंदन घूमने जा सके। ये ओपन चैलेंज है, लंदन घूमने की औकात नहीं है आपकी, जो आप वो 1863 में लंदन पढ़ने गया था। उस समय बाबूजी हमारे और आपके दादाजी घास काटते होंगे कहीं पे बैठ के यहाँ पे, या किसी जमींदार के नीचे जी हजूरी करते होंगे। उस वक्त वो व्यक्ति गया था और आधी धोती पर उसने पूरी जिंदगी बिता दिया। आज मामूली विधायक हो जाता है तो फॉर्चूनर गाड़ी, डेली कोटे बदलते रहता है, फैशन डिजाइनर, हाई कोट, हाउ कोट, हन्ने कोट। कभी देखा महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी के बात बोलते हैं। ये गांधी का नतीजा है जो हम और आप हवाई चप्पल पे बैठ के हवाई जहाज वाले को कहते हैं कि गलत कर रहा है। जाके जरा पाकिस्तान की जिन्ना का पाकिस्तान देख लो, या शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश देख लो। इस निंदा के कानून पर सड़क पर फांसी दे दिया जाएगा। जाके सद्दाम हुसैन का तुम देख लो, और इराक देख लो, ईरान देख लो,
अमेरिका देख लो, केवल किसी का रंग काला है इसलिए लोग उसको दबा के पुलिस मार देती है। चाइना देख लो, जहां सरकार के खिलाफ एक लफ्ज बोल दोगे तो गोली मार दिया जाता है वहां पे। नाज है हमें हिंदुस्तान पर यार, फिर भी लोग क्या बोले हम गांधी को। छोड़ो यार, फाउंडेशन में बताएंगे गांधी क्या था। ये हम बस उनको कहना चाहते हैं कि ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। गांधी वो था, नाथूराम टेम्पू थे, अलग बात होती है, समझे। अरे यार मुर्दाबाद उर्दाबाद मत करो यार। देखो हम गुस्सा में अच्छे नहीं लगते हैं, हमें भी पता है, और हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम गुस्सा ना हो, लेकिन हम आपसे पूछते हैं गांधी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए, क्या नहीं किया। पता है गांधी को गोली क्यों मार दिया उसने? देखो जब देश का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान को जो भूमि मिली, तो पाकिस्तान का कहना था कि भैया जो जनवरी से लेके अगस्त तक जो टैक्स कलेक्ट हुआ है, तो जो हमें पाकिस्तान मिल रहा है ना, तो जो 1947 में जनवरी से लेके अगस्त तक का जो टैक्स मिला है 5 करोड़ रुपया हुआ, वो टैक्स हमें दे दीजिए। तो गांधी जी ने कहा था कि देखो विवाद ज्यादा होगा, इसको आराम से टैक्स दे दो, क्योंकि जमीन जब ले गए हैं तो कानूनी हिसाब से टैक्स उन्हीं का होगा, और अंग्रेज पाकिस्तान के फेवर में ही जाते थे सब, क्योंकि वो चमचागिरी आज भी करते हैं, सब डीएनए में है वहां पे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब इस चीज को जो पाकिस्तान है इसको भूल जाओ, जब इतना बड़ा देश चला गया तो 5 करोड़ रुपया कहां आएगा, कहां जाएगा, यहां साला 5 करोड़ रुपया को मुखिया घोटाला कर जाता है। तो ई कह रहा है नाथूराम गोडसे कि तू 5 करोड़ रुपया क्यों दिया, गोली मार दिया वहां पे। मतलब जब सीआर फॉर्मूला के तहत सरदार पटेल की सिफारिश के बाद जब देश का विभाजन हुआ और जमीन जब दे दी गई, तो जमीन देना गुनाह नहीं है, सीआर फॉर्मूला के तहत देश दिया गया गुनाह नहीं है, सरदार पटेल ने साइन कर दिया गृह मंत्री होने के बावजूद वो गुनाह नहीं है, लेकिन 5 करोड़ टैक्स का पैसा दे देना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि सीधे आके गोली मार देना। और आप कहते हो कि सर हम गुस्से में अच्छे नहीं लगते, क्या बोले यार। मेरी सही था वैसे। मेरा खराब ये है कि हम कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए, इसलिए हमारा सब गरियाने लगता है। हमको कट्टर लोग कभी पसंद नहीं करते, चाहे वो किसी धर्म के हों। अगर मुसलमान में कोई बहुत कट्टर है तो हमको कहता है कि ये बहक गया है, मुसलमान है ये नहीं है। और कोई हिंदू में बहुत कट्टर है तो हमारा जियादी बोल देता है, और कोनो कम पढ़ल लिखल है तो हमारा बकलोल बोल देता है। सुचरा हमको समझ में नहीं आता हम कहाँ जाएं। हर किसी को पसंद है दुनिया की ये बनावटी उसूल, हम ये सादगी लेकर कहाँ जाएं। चलो यार आगे शुरू करते हैं। अपने घर का कानून पढ़े हैं, एक आदमी ब्रह्मचारी नाम से एक आदमी लिख रहे हैं कि जब पाकिस्तान से जब हिंदू लोग रहने आए थे तो जमा मस्जिद में रहने क्यों नहीं दिया गया था। ये आप अपने घर का इतिहास पढ़ रहे हैं। जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे वो लोग को पंजाब में सेना के कैंप में रखा गया था। दिल्ली का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर में जमीन आसमान का अंतर है, वहां से 900 किलोमीटर दूर है। जितने लोग पाकिस्तान से आए थे ना, वो सारे के सारे लोग को पंजाब में आर्मी के शेल्टर में रखा गया था, दिल्ली में नहीं भेजा गया था किसी को। आज दिल्ली में किसान नहीं जा पाता है, दिल्ली में किसी को नहीं भेजा जाता है। भैया आप अब घर के कानून पढ़े हैं तो हम क्या करें, छोड़िए अब आप लोग। देखो यार, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आ गए। आज भी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कि बहुत से होनहार भारतीय जो चले गए हैं वो आ जाएंगे। और अगर भारत गलत ही है तो नोट से मूर्ति हटा देनी चाहिए, महात्मा गांधी का फोटो हटा के नोट नाथूराम गोडसे का लगा दो, है कि नहीं, यही ना है, दोनों में जो अच्छा लगा दो। अरे यार, तो फ्रेंड्स वाकई ये बड़ा सीरियस वीडियो था, इनके हंसे वाले वीडियोस मैं एंजॉय करती हूँ, सीरियस वीडियोस सजेस्ट मत किया करो, हंसी मजाक वाले। पर इसमें काफी वे बता रहे हैं कि नथुराम ऐसे लग रहा है, कई लोग उसको काफी प्रेस कर रहे हैं, उनके करते हैं, पर मेरा तो थॉट यही है कि भाई जो किसी को एक है जिन्होंने बोला नॉन वायलेंस, हाथ नहीं उठाना, बल्कि कोई मारे तो दूसरा गाल भी कर दो, और एक ये है जिन्होंने एक इंसान जिसके पास कोई गोली नहीं कोई गन नहीं था, निहत्था इंसान, उस पर गोली चला दी, तो मेरे हिसाब से तो उस चाहे किसी भी रीजन से किया हो कि आपको उनकी थॉट्स नहीं अच्छे लगे, वो बहुत बुरे थे या जो भी था, तो आपने गोली मार के उसको उसकी मतलब आपने एक मर्डर कर दिया। तो एक तो वो एंगल है सोचने का, तो कौन सही कौन गलत। अब हम सोचते हैं महात्मा गांधी थे कौन,
मेन इंडिपेंडेंस के लिए हाथ तो उन्हीं का था, जो फर्स्ट फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल जो शुरू की उन्होंने मेन, जिसमें सारे इंडियंस इकट्ठे हुए, वो आग लगाई कि हमें आजादी चाहिए, थे तो वही। और उनकी ग्रेटनेस कैसे पता चलती है कि जब सुभाष चंद्र बोस थे वो तक उनकी बात सुनते थे, और जब उनकी डिसएग्रीमेंट हुई उनसे महात्मा गांधी से, तो उन्होंने भी इतनी रिस्पेक्ट थी उनके लिए कि वो चुपचाप छोड़ के चले गए और अपना उन्होंने बनाया। तो उन्होंने ये नहीं किया कि आप गंदे हो या कुछ, इतनी रिस्पेक्ट थी कि जो वो बोला चुपचाप सुना। और बाकी भी लीडर्स आप इतनी स्टोरी सुनते हो कि जब भी कुछ हुआ तो वो चुपचाप उनकी बात मानते थे, चाहे उसको एग्री करें या डिसएग्री करें। तो उससे पता चलता है कितनी रिस्पेक्ट थी सब फ्रीडम फाइटर्स की महात्मा गांधी की तरफ। तो और भाई जहां वर्ल्ड उनको मान रहा है, तो जिस इंडिया को उन्होंने इंडिपेंडेंस में चाहे हमारे हिसाब से थोड़ा किया हो कम किया हो, पार्ट तो उन्होंने लिया था। तो हमें तो बल्कि जब वर्ल्ड उनके एग्जाम्पल्स लेके कोशिश करता है कि हम भी वो फॉलो करें, तो हम कैसे उनको बोल सकते हैं कि वो बुरे थे या नहीं। उन्होंने पार्ट लिया था हमारी इंडिपेंडेंस में, उनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें। तो भाई हम तो कभी नहीं, और उनकी बात भी नॉन वायलेंस आजकल के जमाने में लगता है नहीं वैलिड कि आप एक मारो तो वो चुप रहो तो वो दूसरा भी मार देगा, पर उनकी बात तो बहुत बढ़िया थी। नहीं नहीं, वो उनका जो कॉन्सेप्ट था उससे पहले किसी के पास वो कॉन्सेप्ट नहीं था नॉन वायलेंस का, राइट। ये कॉन्सेप्ट कि अगर मैं तुम्हारे लॉ को नहीं मानता तो क्या कर लोगे, अंग्रेज आए वो रूल कर रहे हैं, उन्होंने लॉज बना दिए, मान लो मैं नहीं मानता, बच्चा बच्चा हमारे देश का तुम्हारे लॉ को नहीं मानता तो कंट्रोल कैसे करोगे, मुझे मारोगे मार लो फिर भी नहीं मारता, मारते जाओ कोई बंदा नहीं बचेगा, पर मैं हम तेरा लॉ नहीं मानेंगे। वो जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बड़ी बात थी नॉन वायलेंस की पावर, कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हथियार तो थे नहीं लोगों के पास, गरीब जनता है सारा तो वही खा गए, गरीब तुम लोग हो तो क्या करोगे, गरीब लोग लाठियों से फाइट करोगे, नहीं ना। तो यही बोला कि हम तुम्हारा लॉ नहीं मानते भाई, तू जो बोल रहा है कि ये टैक्स देना नहीं देता मैं टैक्स, मैं तो मानता ही नहीं, डिसोबीडियंस मैं नहीं मानूंगा, नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, जो करना है वो खाड़ लो नॉन, और तुम्हें मारूंगा भी, तुम्हें मारना मार लो, मैं काम करने नहीं वाला। वो जो आइडिया था वो बहुत ही जबरदस्त आइडिया था, जिस आपको देखना पड़ेगा लोगों के पास था क्या। मार्टिन लूथर भी उसी पे फॉलो किया। तो बाद में मिस्टर बोस ने कोशिश की है कि आ जाएं, ये आ जाएं, एयरप्लेन्स आ जाएं, आर्मी आ जाए, मगर मिस्टर गांधी की वजह से ही इंडिपेंडेंस मिला है। पहली बात तो है, अब नथुराम गोडसे जो है, नथुराम गोडसे का लोग तो यही कहते हैं कि उन्होंने इसलिए मारा था क्योंकि उनको लगता था कि गांधी जो है पाकिस्तान की बहुत सुन रहे हैं, उनकी डिमांड्स बड़ी मीट कर रहे हैं और हिंदुओं की डिमांड नहीं मान रहे। उनको था कि हिंदुओं की कम कर रहे हैं और मुसलमान, नथुराम गोडसे को यही था कि तुम हिंदुओं की साइड कम देते हो, तुम जो है पाकिस्तान की साइड ज्यादा दे रहे हो, जो कुछ मांगते हैं हाँ हाँ करते जाते हो कि काम खत्म हो, ये कर दो ये दे दो, हाँ ये भी ले लो वो भी ले लो। तो वो प्रॉब्लम थी नथुराम गोडसे को, इसकी नहीं। उसका एक एग्जांपल होगा टैक्स का, बट वो एक टैक्स की वजह से नहीं, बहुत सारी चीजें थी जो नथुराम गोडसे कहता था कि भाई तुमने ये भी कर दिया, जो मांगते तुम दे देते हो तो ये मत करो, तो तुम जो इनकी साइड ज्यादा हो हमारी साइड ज्यादा कम हो। तो इसकी वजह से उसको समझ नहीं थी बंधे को, अगर उनको ऐसा होता तो पूरा देश आजाद कैसे होता भाई, जिसने देश को आजादी दी है करवाई है, फादर ऑफ द नेशन है उसको, तो जो भी नथुराम गोडसे ने गलत कार्य किया था, कई लोग हैं जो मानते हैं वो सही है बट मैं उसको एग्री नहीं करता, और कई लोग कहते हैं कि वायलेंस तरीका था मैं उसको भी एग्री नहीं करता, रिवोल्यूशनरी था। आपको अपनी जनता को देखनी है, आपकी जनता के पास कुछ नहीं है, जो बोलते हैं वेपन से फाइट करें, कहां है वेपन्स भाई, सीधी सादी जनता, सादी जन... उनके पास गन थी, अगर उस टाइप से करने लग जाते तो कितनी की डेथ होती, तो किसको बचाते, सबको तो मार देते वो लोग, कितने लोगों के पास उनके पास बहाना हो जाता मारने का, बहाना नहीं था वो बुरे बने। ठीक है आप अपनी आर्मी बनाइए बट वास लोगों के पास कोई वेपन नहीं है, कौन जूडो कराटे सीख रखे थे क्या, खाने को नहीं मिलता था भाई, इतनी गरीबी क्रिएट हो गई थी, लोग मर रहे थे, भुखमरी थी, राइट, इतने पॉवर्टी थी, भुखमरी थी, खाने को लोग क्या फाइट करेंगे भाई, नहीं खड़े होते इंडिपेंडेंस के लिए, right? तो लोग डर के बेस्ट, तो इस वजह से हुआ था इसलिए इकट्ठे हुए, वो इकट्ठे जो भी हुआ नॉन वायलेंस की, मगर चाहे मैं गरीब हूं, चाहे मैं खाने का नहीं, बट मैं तेरी बात नहीं मानता तो क्या कर लेगा, वो तो कर सकता हूं, तेरी बात नहीं मानता ठीक है भूखा मरना मर जाऊंगा, मगर मैं तेरी बात नहीं मानता, ठीक है तेरे पास वेपन है समझे तो वेपन से मुझे मार देगा, मैं मर दूंगा फाइन, बट तू किसको रूल करेगा जब कोई बंदा है ही नहीं जो तेरी बात माने। तो नॉन वायलेंस जो है डिसोबीडियंस बहुत अच्छा था, और ये कि तुम्हारा स्वदेशी हम तुम्हारा माल नहीं यूज करेंगे, अपना करेंगे, अपनी जनरेट करेंगे, तो बहुत ही
रेवोल्यूशनरी आइडिया है, मार्टिन लूथर किंग ने वहीं से सीखा था, और जहां अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल राइट्स उसी की वजह से मिल जाते हैं। तो काफी अच्छा वीडियो बन गया। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।